हेलो फ्रेंड्स, घूमोजी चैनल में आपका दोबारा से स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं दुबई के अंदर और जा रहे हैं एक एडवेंचर के लिए दुबई टूर पार्ट 4 में। आज हम आपको दिखाएंगे डिजर्ट सफारी। जी हाँ दोस्तों, अभी वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये दुबई का गोल्ड गेट है। जी हाँ दोस्तों, ये सोने का बना हुआ पूरा गेट है जो बहुत ही टूरिस्ट को आकर्षित करता है। और इस समय हम जा रहे हैं रेंज रोवर से अपने कुछ दोस्तों के साथ एडवेंचर करने, वो भी डिजर्ट सफारी में। जी हाँ दोस्तों, डिजर्ट सफारी यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है दुबई का। दुबई में आने के बाद अगर आप अलांट मॉल और उसके बाद आप बुर्ज खलीफा और उसके बाद आप बहुत सारी चीजें घूमने के बाद अगर डिजर्ट सफारी ना करें तो क्या ना किया। इस समय हम अपने दोस्त के साथ रेंज रोवर से जा रहे हैं डिजर्ट सफारी की ओर, जो कि दुबई की सिटी से थोड़ा बाहर है। डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान। रेगिस्तान तो वैसे चारों तरफ दुबई के अंदर है ही, लेकिन सफारी करने के लिए कुछ अलग से जगह बना रखी हैं, जहां ट्रैफिक नहीं है, हाईवे के साथ कोई शहर नहीं है और चारों तरफ जितना भी आप देख सकें आपको रेती रेत मिलेगा। आज वहीं हम आपको अपनी गाड़ी से सफर करते हुए घूमोजी टीम के साथ डिजर्ट सफारी के लिए ले जा रहे हैं। डिजर्ट सफारी दुबई टूर में सबसे लोकप्रिय मजेदार एक्टिविटी में से एक आती है और हम आपको दिखाएंगे कि इस समय हम दुबई की हाईवे पर दौड़ रहे हैं। आबू धाबी की ये रोड है जहां से हम डिजर्ट के लिए जा रहे हैं और इस समय हमारी गाड़ी की स्पीड है करीब 120 से 140 की स्पीड पर। यहां पर गाड़ी अलाउड है, अपनी लाइन में आप चला सकते हैं, रोड के नियमों का पालन करें। इसके अलावा रोड के जितने भी साइड्स में मैपिंग लगे हुए हैं उनको फॉलो करते हुए आप चलें। तो अभी हम जा रहे हैं डिजर्ट सफारी। डिजर्ट सफारी भी आपको दिखाएंगे, वहां किस तरह से आप भी कर सकते हैं, कितना पैसा लगता है, सारी बातें आज आपको हम बताने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और मजा लीजिए दुबई के सफर का हमारी टीम घूमोजी के साथ। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं डिजर्ट सफारी जहां पर होती है उस स्थान पर, और आप कैमरे में लगातार वीडियो में बने जरूर रहें। हम आपको यहां दिखाएंगे कि कितने आलीशान करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियां यहां डिजर्ट सफारी में यूज की जाती हैं। दोस्तों, यहां पर कोई छोटी मोटी गाड़ी इस डिजर्ट पर नहीं सफर कर सकती है, इसके लिए स्पेशल 4x4, 4x6, 4x8 गाड़ियां ही यहां चलाई जाती हैं। डिजर्ट सफारी आप अपनी गाड़ी से भी कर सकते हैं अगर वो एडवेंचर और 4x4 से रिलेटेड है, और आपको यहां पर चलाने का पूरा अभ्यास और ज्ञान भी होना जरूरी है। रोड के साइड में चारों तरफ रेगिस्तान है काफी बड़ा जहां तक आप देख सकते हैं, और इसके अलावा यहां पर काफी शूटिंग भी चलती रहती है। अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं जहां आपने अपनी रेंज रोवर से टायरों की हवा सेट करानी है। जी हाँ, अभी हमारी टायरों की हवा काफी है क्योंकि हम रोड पे चल रहे हैं और अभी हमें सफारी करनी है, वो भी रेगिस्तान में, तो हमें हवा को सेट कराना होगा। चलिए आगे दिखाते हैं आपको कि हमें अपने टायरों की हवा किस तरीके से निकलवाते हैं। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं यहां पर, एक टायर वाले भैया हैं, उनसे इन अपने रेंज रोवर के टायरों की, जो कि हमने स्पेशल टायर या डिजर्ट सफारी के लिए अपनी गाड़ी में डाले हुए हैं। सिंपल टायर वाला यहां पर डिजर्ट सफारी नहीं कर सकते। अब यहां पर हमारे करीब 30 या 35 पाउंड हवा थी जिसको हम निकाल कर करीब 5 या 7 पाउंड पर रखेंगे, यानी कि मानो कि आपके टायरों में बिल्कुल भी हवा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गाड़ी को पलटने का और स्किट होने का भी खतरा बना रहता है। दोस्तों, अगर आप लोग खुद डिजर्ट सफारी करना चाहते हैं उसके लिए आप पहले यहाँ के रेत पर अभ्यास करें। आपको एडवेंचर से रिलेटेड पूरा ज्ञान होना चाहिए, स्टीयरिंग कैसे चलाना है, कैसे घुमाना है और आपकी गाड़ी इस काबिल है या नहीं, तभी इस तरह का रिस्क लें। इसके अलावा अगर आप लोग खुद भी नहीं चाहते और आप टूर करना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरी जानकारी कि कितने का टिकट और कहाँ से मिलेगा वो हम आपको इस वीडियो में आज देने वाले हैं। फिलहाल हम तैयारी कर रहे हैं अपनी गाड़ी को सेट करने की और जल्दी हम बैठकर डिजर्ट सफारी के अंदर निकलेंगे और रोमांचक आपको रेत के ऊपर अपना एडवेंचर भी दिखाएंगे और साथ ही साथ बातें भी करते रहेंगे डिजर्ट सफारी से रिलेटेड। दोस्तों, अभी हम रेडी हैं डिजर्ट सफारी के लिए, लेकिन हम यहाँ पर अपना गूगल मैप लगा रहे हैं क्योंकि दोस्तों डिजर्ट सफारी का मतलब है कि आप रेगिस्तान के अंदर काफी दूर तक जा रहे हैं। यहाँ पर आप जा तो रहे हैं अपने नक्शे से, लेकिन आएंगे किस रास्ते से उसका कुछ नहीं कह सकते, इसलिए रात को हम
भटक ना जाएं, इसलिए हम यह पहले गूगल मैप लगाकर यहां का मैप लगाकर निकल रहे हैं, जिससे हमें आने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों शुरू कर दी है हमने डिजर्ट सफारी, और इस समय आप जहाँ हमारे साथ हमारे मित्र गुरमीत जो कि यहीं रहते हैं दुबई में और पंजाब से बिलोंग करते हैं, हमें घुमा रहे हैं रेंज रोवर के साथ डिजर्ट सफारी के अंदर। और देख सकते हैं गाड़ी की स्पीड काफी है और हम ऊंचे टीले पर पहुंच चुके हैं। सामने डूबता हुआ सूरज कितना सुंदर लग रहा है, सनसेट इस समय आप देख सकते हैं, जहां हमने काफी फोटो और वीडियो भी खिंचवाई है। चलिए अब बात करते हैं डिजर्ट सफारी से कुछ रिलेटेड टॉपिक्स की। डिजर्ट सफारी के लिए एडवेंचर राइड के दौरान जिस वाहन का सबसे ज्यादा उपयोग होता है यहाँ पर, वह है हैमर H2। जी हाँ, हैमर गाड़ी है। यहाँ पर आप सुबह या शाम के समय डिजर्ट सफारी के लिए जा सकते हैं। सुबह का सेशन 9 बजे शुरू होता है और दोपहर तक चलता है, जबकि शाम का सेशन 3 बजे शुरू होता है और करीब 5 बजे बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों बहुत से एडवेंचर प्रेमी रुकते नहीं हैं और वो रात्रि में भी यह एडवेंचर के लिए जाते हैं। अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज हैं यहाँ पर, जैसे आप यहाँ बैली डांस, बैली डिनर और इस तरह की एक्टिविटीज भी अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ऊंट सफारी सैंड बोर्डिंग के लिए भी जाते हैं, जिसमें डिजर्ट सफारी ऊंट से कराई जाती है। डिजर्ट सफारी की एक्टिविटी की कीमत करीब 730 रुपए है। आपने कई हॉलीवुड फिल्मों या बॉलीवुड मूवीज में इस तरह के सीन देखे होंगे जो यही दुबई में इस डिजर्ट सफारी पे स्टंट करते हैं। जी हाँ, अगर नहीं देखा तो आज हमारी वीडियो में पूरा जुड़े रहे और डिजर्ट सफारी में फिल्मों से रिलेटेड सारे सीन्स हम आपको दिखाएंगे। यहाँ की डिजर्ट सफारी लोगों को बहुत लुभाती है। दुबई सफारी एक ऐसा एडवेंचर है जहाँ आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। यहाँ रेत के टीलों पर जीप या जिप्सी, ऊंट की सवारी, कैट बाइक, सैंड बोर्डिंग आदि चलाई जाती हैं। यहाँ डिजर्ट सफारी के लिए अगर आप जिप्सी लेते हैं तो उसमें करीब 6 लोग आ सकते हैं, जिनको करीब देने होंगे हिंदुस्तान के रुपयों में 5,000। जी हाँ, डिजर्ट सफारी अगर आपको करनी है तो आप गूगल करके वहां से किसी भी एजेंट के द्वारा डिजर्ट सफारी की गाड़ी बुक करा सकते हैं, जो आपको होटल से ही पिक कर लेगी और पूरी डिजर्ट सफारी कराकर वापस छोड़ सकती है। इसके अलावा अगर आप लोग यहां तक अपनी कार से आ रहे हैं और आपको यहीं से डिजर्ट सफारी की कार चाहिए, तो आपको हमर और उससे जुड़ी हुई रेंज रोवर और बहुत सी गाड़ियां यहीं पर मिलेंगी, जो करीब 1500 से 2000 रुपए लेते हैं प्रति व्यक्ति, और आपको एक लंबी राइड कराकर डिजर्ट की लेकर आते हैं। दोस्तों हम यहां कर रहे हैं डिजर्ट सफारी और अभी अभी हमारी गाड़ी पलटने से भी बची है, लेकिन दोस्तों सावधानी रखें, सनसेट भी होने वाला है, सूरज की किरणें छुपने वाली हैं, अंधेरा भी है और शाम के समय यहाँ पर रेत जो है उड़ने भी लगता है। हम भी यहाँ से निकलने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। हम अपने गूगल मैप के थ्रू जहाँ से आए थे वहीं जाने का कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों रेत के ऊपर गाड़ी चलाना संभव इतना आसानी नहीं है। ये सब चीजें वो लोग करते हैं जो एडवेंचर प्रेमी होते हैं। डिजर्ट सफारी से संबंधित कोई भी आपको बात हो, कोई गाड़ी चाहिए, बुक करानी हो, तो नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करके आप डिजर्ट सफारी हमसे बुक करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के सुंदर मनोरम दृश्य इतने सुंदर हैं कि मानो आप अपने कैमरे के अंदर वीडियो और फोटो खींचते नहीं रुकेंगे। हमने भी बहुत सारे अपने वीडियो क्लिप्स और इस तरह के इंस्टा क्लिप बनाए हैं। आप भी यहाँ आकर पूरे दिन की मस्ती एडवेंचर के बीच गाड़ी के साथ, वो भी डिजर्ट सफारी में कर सकते हैं। कई बॉलीवुड मूवी दुबई के डिजर्ट सफारी में स्टंट करने आते हैं और वो यहाँ पर बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भी मजा लेते हैं। डिजर्ट सफारी दुबई की एक शान है, जान है, जहाँ पर हमर गाड़ी जो कि करोड़ों की गाड़ी है उसको लेकर डिजर्ट सफारी करने जाते हैं। चलिए मजा लीजिए हमारे साथ डिजर्ट सफारी का, और अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे आपको दुबई पार्ट 5 में, और दिखाने वाले हम आपको
ग्लोबल विलेज। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल विलेज भी दुबई की एक बहुत प्यारी शान है, जहां पर हम आपको दिखाएंगे डिजर्ट सफारी के बाद ग्लोबल विलेज जाते हुए ग्लोबल विलेज क्या है और हम किस किस तरीके से ग्लोबल विलेज के अंदर घूम सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितने का टिकट है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। चलिए मिलते हैं जल्दी दुबई पार्ट 5 में। Whoa.